सूबे में कई वर्षों के बाद भाजपा ने प्रचंड बहुमत में सरकार बनाई है और पहली बार यूपी का नेतृत्व संत करेगा। इसी से बौखलाए विपक्ष कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ रहे। इसके साथ शरारती तत्व भी अपने गलत मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। मामला ताज नगरी आगरा का है, जहां पर विश्व हिंदू का सदस्य किसी अफवाह नाम के एक फेसबुक ग्रुप पर जुड़ा है। उस ग्रुप पर किसी शरारती तत्व ने यूपी के नए नवेले मुख्यमंत्री संत योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके बाद आगरा विश्व हिंदू परिषद में आक्रोश व्याप्त है। आपत्तिजनक तस्वीरों पर पोस्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद ने डीजीपी कार्यालय को ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस को शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान शुभम सोनी एसएसपी आगरा के यहाँ शिकायत पत्र लेकर पहुँचे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मामले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुबह 11 बजे तक जब मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तब जाकर उन्होंने डीजीपी कार्यालय को फोन किया, तो वहाँ से फिर एसएसपी आगरा पीआरओ को फोन आया। कल रात को मैंने मेरे फेसबुक पर एक फोटो आया परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उसमें किसी महिला के साथ में गले में हाथ डाल के इस तरह का फोटो जो बनाया है और ये वायरल किया था अव्वा नाम के फेसबुक पेज ने, तो जिसको देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने तत्काल उसको स्क्रीनशॉट लेकर यूपी पुलिस को ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुबह 11 बजे तक जब कोई मामला आया फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके मैंने डीजीपी कार्यालय कॉल किया। वहां से हमारे आगरा के एसएसपी पीआरओ साहब का, उन्होंने कहा था अभी हम आपको अवगत कराते हैं, तो कप्तान साहब के पीआरओ साहब का मुझे सुबह फोन आया कि इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो मैं खुद अपनी एक एप्लीकेशन लिखकर कप्तान साहब के पास मिलने आया हूं, उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिसने हमारे योगी जी के ऊपर इतने आपत्तिजनक फोटो बनाया और वायरल किया, और सबको उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जेल हो, और सबको ये मालूम पड़े कि इस तरह के लोगों में, समाज में इस तरह की घटना करना एक दंडनीय अपराध है और ये उनको सोचना चाहिए। ये कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इस तरह के फोटो वायरल करते हैं, और उनका उद्देश्य कुछ नहीं, यही होता है कि समाज में गंदगी फैले, झगड़े हो, बिना बात के सांप्रदायिकता फैले, ऐसों के खिलाफ रासुका लगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस को खुद करनी चाहिए। पुलिस से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद सड़कों पे आएगा और आंदोलन करेगा।